बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, राजधानी दिल्ली से ही, जहां पर बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि एक शराब तस्कर ने कांस्टेबल को कुचल दिया। जी हां, बदमाशों ने यहां पर 10 मीटर तक कांस्टेबल को घसीटा। कांस्टेबल का नाम संदीप बताया जा रहा है और इस घटना में, इस हादसे में संदीप की, इस कांस्टेबल की जान चली गई है, मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में यह हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली में नांगलोई इलाके में रोडरेज की इस घटना में एक कार ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कांस्टेबल ने कार चालक से कार को हटाने के लिए कहा था, इसी दौरान कांस्टेबल को 10 मीटर तक कार चालक घसीट कर ले जाया और एक अन्य कार से भी आगे जाकर वो टकराया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी भी फरार है। आउटर दिल्ली पुलिस उपायुक्त जिमी चिराम ने संदिग्ध रोडरेज इस घटना में कांस्टेबल संदीप की मौत पर कहा है कि नांगलोई पुलिस स्टेशन में कार्यरत 2018 बैच का 30 साल का ये कांस्टेबल था, संदीप इसका नाम था, इसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दो आरोपियों की तलाश जारी है। गाड़ी हमारे कब्जे में है, गाड़ी की डिटेल वेरीफाई की जा रही है। आरोपी फरार है, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। नमित त्यागी हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। नमित, क्या कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर? कौन है ये शैतान जो राजधानी की सड़कों पर इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें तलाश रही है, लेकिन अब तक वो पकड़ से बाहर? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई है और पिछले 24 घंटे में तीन जो घटनाएं हैं वो दिल्ली के अंदर से निकल कर आई है। हालांकि जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, नांगलोई के अंदर जो दो कार चालक थे, उन्होंने, जो संदीप नाम का पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल था वो, और उसने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, यानी कि चेकिंग अभियान जो था वो वहां पर चल रहा था, लेकिन जो दो कार चालक थे, जो कि उस गाड़ी में दो लोग सवार थे, उन्होंने संदीप नाम के पुलिस कॉन्स्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और तकरीबन 10 मीटर तक वो उसको घसीट कर लेता ले जाते चले गए। और उसके बाद जो संदीप नाम का कांस्टेबल था वो एक गाड़ी से टकराता है, उसके बाद उनको आनंद फानंद में अस्पताल में एडमिट किया जाता है, लेकिन वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी खबर ये नांगलो से ही निकल कर आई है और अब देखना होगा कि आखिर इसमें और क्या चीजें निकल कर आती है, लेकिन शुरुआती जानकारी में निकल कर ये आ रहा है 30 साल कांस्टेबल संदीप की उम्र बताई जा रही है। साल 2018 के बैच का ये भर्ती हुआ था दिल्ली पुलिस में। इसके साथ साथ जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट, जो कुचला गया है संदीप को, उस गाड़ी की जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर तस्करी का जो काम था वो ये दो बदमाश किया करते थे। अच्छा। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ गया है। फिलहाल जो है परिवार के अंदर मातम का माहौल जरूर है। पुलिस पूरी तरीके से चेकिंग करी उस गाड़ी की भी, इसके अलावा जो बाकी दो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ जारी है। उनके अलावा क्या इसमें और भी गैंग के लोग शामिल थे? कांस्टेबल को घसीटने से उसकी मौत का मामला यहां पर चिंता को बढ़ाता हुआ, बल्कि पिछले 24 घंटे में तीन जगह पर जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर फायरिंग हुई है, वाकई में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, पिछले 24 घंटे की बात करें, चाहे उसमें नांगलोई के अंदर एक मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, इसके अलावा अगर हम नारायणा की बात करें तो वहां पर एक कार शोरूम के अंदर जो है वहां पर शुक्रवार की देर शाम 7 बजे गोलियों से ताबड़तोड़ वहां पर भून दिया गया एक शख्स को। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए की गुलाबी बाग में सोने की लूट का मामला सामने आया। महिपालपुर के एक होटल में भी कल देर रात 2:45 पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो तरीके से बिगड़ गई है, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी को घेरा और उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में आती है तो फिर ये आखिर एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। दिल्ली सरकार के जो काम है वहां पर तो दिल्ली के उपराज्यपाल हस्तक्षेप कर लेते हैं, लेकिन जो उनके अंडर में डिपार्टमेंट आता है, यानी कि दिल्ली पुलिस ऑलरेडी गृह मंत्रालय और एलजी के अंडर में आती है, तो आखिर दिल्ली पुलिस है कहां अगर पिछले 24 घंटे में इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी अब एलजी को भी घेरती हुई, केंद्र को भी घेरती हुई, क्योंकि एलजी के अंडर, केंद्र के अंडर दिल्ली पुलिस आती है। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।